हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे आईबीपीएस क्लर्क एग्जाम 2018 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बैंक पीओ मेंस एग्जाम के लिए भी कुछ क्वेश्चंस मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं, तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे और साथ में ये देखेंगे कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस को मिनिमम टाइम में हम पूरी एक्यूरेसी के साथ कर सकते हैं। अज्जा 247 की कोई सी भी टेस्ट सीरीज यदि आप लेना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहाँ से कोई सी भी टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं। और कोई भी आपकी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग तो इस नंबर पर, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे बता सकते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन है आईबीपीएस क्लर्क 2017 के, ठीक है। ये रियल क्वेश्चंस हैं। आईबीपीएस क्लर्क का जो एग्ज़ाम हुआ था 2017 में, उसमें ये किसी शिफ्ट में पूछे गए थे, तो यहाँ से आपको एक आइडिया लग सकता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस क्लरिकल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसमें मैंने बैंक पीओ मेंस के भी कुछ क्वेश्चंस दिए हैं तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। पूरे वीडियो को आप प्लीज़ एंड तक देखिए, इसको बीच में स्किप ना करें आप। देखिए, आई रीड ओवर द होमवर्क, एक्चुअली ये रेड ओवर होगा, आई रेड ओवर द होमवर्क बट आई कुडंट मेक एनी सेंस ऑफ इट। रीड ओवर या रेड ओवर, रेड ओवर मतलब पास्ट में, ठीक है। तो उसको जब आप बोलते हैं रीड ओवर, मतलब उस पर, उसके ऊपर आप उसको आप पढ़ते जा रहे हैं और सारी चीज़ों को एग्जामिन करते जा रहे हैं, रीड ओवर, ठीक है। तो इसके लिए एक सही वर्ड क्या होगा, रीड ओवर का जो करेक्ट इक्विवेलेंट होगा वो क्या होगा, वो करेक्ट इक्विवेलेंट होगा, वो होगा पेरूज। देखिए, कुछ स्टूडेंट यहाँ पर कन्फ्यूज हो सकते हैं और इस वर्ड को वो परसू मान सकते हैं। परसू मतलब पीछा करना या किसी चीज़ को फॉलो करना, जैसे हम एक कोर्स को परसू करते हैं, आई एम परसूइंग MBA, तो ये परसू नहीं है, ये पेरूज है। इसका मतलब किसी चीज़ को पढ़ना एग्जामिनेशन के साथ, उसको समझते हुए पढ़ते जाना, उसमें देखना कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो होमवर्क को चेक करने की यहाँ पर बात हो रही है। तो होमवर्क को कोई व्यक्ति पढ़ रहा है और उसको चेक कर रहा है कि सही तरीके से ये हुआ है कि नहीं, इसमें कोई मिस्टेक है या नहीं। तो रीड ओवर का सही जो सिनोनिम होगा यहाँ पर वो होगा पेरूज। पेरूज यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। गिगल का मतलब होता है धीमे धीमे हंसना, ठीक है, धीमे धीमे हंसना। लासेस ये हम गर्ल्स के लिए बोलते हैं। इंक्लाइंड मतलब किसी पर्टिकुलर टॉपिक या पर्टिकुलर फील्ड की तरफ झुका होना, झुकाव होना, उसको हम बोलते हैं इंक्लाइंड या इंक्लिनेशन। और एप्लॉज मतलब तारीफ करना, ठीक है। तो पेरूज यहां पर इसका आपका सही आंसर होगा रीड ओवर का। और यहां पर आप आंसर इसका देख सकते हैं, यहां पर मैंने एक्सप्लेन भी किया है, तो ये इसका आंसर होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आई ट्राइड आउट 4 cars बिफोर आई कुड फाइंड वन दैट प्लीज्ड मी, मतलब एक ऐसी कार ढूंढने से पहले जो मुझे प्लीज और मुझे सेटिस्फाई कर सकती थी, उससे पहले मैंने 4 कारों को ट्राई किया। ट्राई किया मतलब उनको मैंने टेस्ट किया। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा टेस्ट। ये IBPS क्लर्क का रियल क्वेश्चन है, ट्राइड आउट, ठीक है। तो इसका आंसर होगा टेस्ट। ये थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन है। लोथ का मतलब होता है नफरत, रिजिड का होता है जो फ्लेक्सिबल नहीं है, प्ले मतलब खेलना, यूनिक मतलब स्पेशल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका आंसर भी मैंने दिया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द टेररिस्ट ट्राइड टू ब्लो अप द रेल रोड स्टेशन, ठीक है। रेल रोड स्टेशन को उन्होंने, टेररिस्ट ने क्या करने की कोशिश की, ब्लो अप करने की कोशिश की। तो ब्लो अप का क्या मतलब होता है, उसमें विस्फोट करने की कोशिश की या उसको एक्सप्लोड करने की कोशिश की। तो ब्लो अप के लिए जो सही वर्ड होगा वो होगा एक्सप्लोड, एक्सप्लोजन जैसे आपने सुना होगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा। रिवाइल्ड का मतलब लोथ या नफरत करना, रिगेन मतलब दोबारा से प्राप्त करना, एग्री मतलब सहमत होना, डिफाई मतलब सामना करना या किसी व्यक्ति को चैलेंज करना, उसको हम बोलते हैं डिफाई। और इसका जो नाउन फॉर्म है वो है डिफायंस। तो यहां पर आप देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन पूरा। और आगे बढ़ने से पहले मैं इस बैच अनाउंसमेंट के बारे में आपको बताना चाहूंगा। आईबीपीएस क्लर्क एग्जाम की यदि आप सीरियस एस्पिरेंट हैं और किसी भी कीमत पर IBPS क्लर्क एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब आप हासिल करना चाहते हैं, तो इस बैच को आप तुरंत ज्वाइन करिए। बिल्कुल भी आप सोचिए मत। इसमें मैं आपको प्री का पूरा इंग्लिश, मेंस का पूरा इंग्लिश और मेंस का पूरा करेंट अफेयर्स एकदम टारगेटेड तरीके से इसमें पढ़ाया जाएगा, ताकि आप अपने टारगेट को हिट कर सकें और इस एग्ज़ाम को 3 से 4 महीने की तैयारी में क्रैक कर सकें। और ऐसा पूरी तरीके से पॉसिबल है। और इसको यदि आप ज्वाइन करते हैं तो बेहतरीन गाइडेंस इसमें आपको मिलेगा इंग्लिश का और करेंट अफेयर्स का। सारी क्लासेस आपकी मेल पर चलेंगी, जीमेल पर इसका लिंक भेजा जाता है और स्मूथली सारी क्लासेस चलती हैं। 5 महीने की इसकी वैलिडिटी रहेगी। और इसके साथ में एक ऑफर और दे रहा हूँ, अड्डा 247 की बेस्ट टेस्ट सीरीज़ जो जिसकी प्राइस 499 रुपये है,
वो इसी प्राइस में आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगी। तो इस ऑफर को भी आप ले सकते हैं, और इसमें वोकैबुलरी की ई बुक्स भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएंगी इसी प्राइस में, और इसी प्राइस में 1650 जो प्राइस है इसी प्राइस में आपका GST भी लगा हुआ है, सारे टैक्सेस भी लगे हुए हैं। तो इस बैच को आप तुरंत ज्वाइन करिए, क्योंकि इसमें भी कुछ कुछ सीट खाली हैं, तो आपको इसमें ये जो फ्री अड्डा 247 की टेस्ट सीरीज का बेनिफिट आपको मिल सकता है। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से क्लिक करके इस बैच को आप तुरंत ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे यहाँ पर नंबर दिया हुआ है 9893719933, इस पर मुझे आप कॉल कर सकते हैं। चलिए यहां पर हम देखते हैं एक और क्वेश्चन। ही अप्लाइड फॉर ए प्रमोशन ट्वाइस दिस ईयर बट ही वॉज टर्न डाउन बोथ टाइम्स। मतलब उसने प्रमोशन के लिए दो बार अप्लाई किया, उसने प्रमोशन के लिए दो बार अप्लाई किया लेकिन दोनों ही बार उसको टर्न डाउन कर दिया गया। टर्न डाउन का क्या मतलब निकल रहा है यहां पर? टर्न डाउन का मतलब निकल रहा है कि उसको रिजेक्ट कर दिया गया। तो आप देख सकते हैं कि IBPS क्लर्क एग्जाम का जो कट ऑफ जाता है वो इतना हाई क्यों जाता है, क्योंकि क्वेश्चंस कभी कभी काफी सिंपल उसमें देखने को मिलते हैं। डिसडेन का मतलब होता है नफरत करना, तो यहां पर 4 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हम 5 देखते हैं। देखिए कभी कभी इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चंस भी रहते हैं जिसमें समझ में नहीं आता कि इसका मतलब क्या निकल रहा है। यहां पर इट वॉज अ डिस्गस्टिंग मूवी। डिस्गस्टिंग मूवी मतलब बहुत ही ज्यादा खराब, या जिससे डर लगे, या खतरनाक, या नफरत करने वाली मूवी थी। ठीक है, तो डिस्गस्टिंग जो मूवी होगी वो क्या करेगी आपके आपके बिहेवियर पर या आपके मेंटेलिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसका। इट रियली टर्न्ड मी ऑफ मतलब उसने मुझे थोड़ा सा डिसइनक्लाइंड कर दिया, या उसने मुझे जैसे जैसे हम बोलते हैं रिपेल, अट्रैक्ट का जो उल्टा होता है रिपेल कर दिया। तो रिपेल का इक्विवेलेंट जो होगा वर्ड वो होगा रिपल्स। तो रिपल्स यहां पर उसने इसका सही आंसर, रिपल्स मतलब उसने मुझे उससे दूर कर दिया या उससे मेरे को नफरत हो गई उससे, तो रिपल्स यहां पर सही आंसर होगा। ठीक है, अक्नोलेज का मतलब मानना, रिस्पेक्ट इज्जत आदर करना, रिलीज अब छोड़ना, सुपर मतलब बहुत अच्छा। एक वर्ड और होता है सपर, SUPPER, उसका मतलब होता है इवनिंग मील, शाम का इवनिंग का जो खाना होता है उसको हम बोलते हैं सपर। ठीक है, लेकिन उसकी स्पेलिंग होती है SUPPER। तो यहां पर आप इसका आंसर देख सकते हैं, लीव वन रोड इन ऑर्डर टू ज्वाइन अनदर। तो इसका एक्चुअली टर्न ऑफ का मतलब है कि दूर कर देना। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। द ओल्ड मिनिस्टर कंटिन्यू टू कॉल ऑन हिज सिक पेरिशनर। पेरिशनर क्या होता है? पेरिशनर एक्चुअली चर्च के जो मेंबर्स होते हैं जो रेगुलरली चर्च जाते हैं उनको हम बोलते हैं पेरिशनर। तो यहां पर आपको एक नया वर्ड मिला, पेरिशनर। ठीक है, एक वर्ड और होता है पेरिश, PERISH। तो PERISH का मतलब होता है पेरिश, मतलब खत्म हो जाना, मर जाना, या किसी चीज का खराब हो जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना, उसको भी हम पेरिश बोलते हैं। लेकिन पेरिशनर का यहां पर मतलब है चर्च के जो मेंबर्स होते हैं, और कॉल ऑन का मतलब होता है ब्रीफ विजिट, किसी को थोड़ी देर के लिए देखने जाना क्योंकि वह व्यक्ति बीमार है। तो यहां पर इसका सही आंसर होगा विजिट। आगे क्वेश्चन देखते हैं। इट सीम्ड स्ट्रेंज टू सी माय ओल्ड बॉस वेट ऑन टेबल्स। इट सीम्ड स्ट्रेंज टू सी माय ओल्ड बॉस वेट ऑन टेबल। देखिए ये क्वेश्चन काफी टफ है ये देखा जाए तो, क्योंकि इसका मतलब आप नहीं निकाल सकते। वेट ऑन टेबल्स का क्या मतलब निकालेंगे आप? ठीक है, टेबल्स पर वेट करना। इसका जो सही मतलब होता है वो होता है सर्व करना, जैसे वेटर जो होता है वो सर्व करता है, इसीलिए उसको हम वेटर बोलते हैं क्योंकि वो वेट ऑन टेबल्स करता है। तो वेट ऑन टेबल से ही वेटर वर्ड बना है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है सर्व करना। एक्यूज का मतलब आरोप लगाना, अलाउ का मतलब परमिट करना, टेस्टिफाई का मतलब होता है किसी चीज का एविडेंस देना, उसको कंफर्म करना, लार्ज का मतलब होता है बड़ा। तो यहां पर इसका सही आंसर होगा टू सर्व पीपल इन ए रेस्टोरेंट। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। द सिटीजंस ट्राई टू गेट रिड ऑफ देयर करप्ट मेयर इन द रीसेंट इलेक्शंस। रिसेंट इलेक्शंस में जो सिटीजन्स थे, जो नागरिक थे, उन्होंने करप्ट मेयर को हटाने की कोशिश की। दे ट्राई टू गेट रेड ऑफ, मतलब गेट रेड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज से छुटकारा पाना, किसी चीज को एलिमिनेट करना, हटा देना। तो इसका सही आंसर होगा एलिमिनेट। ठीक है, डिटेस्ट का मतलब है नफरत करना, एश्योरेंस मतलब आश्वासन देना, प्रिविलेज मतलब आपके पास जो राइट्स या अधिकार होते हैं, सब्सिक्वेंट मतलब बाद वाला। तो यहां पर इसका सही जो आंसर होगा वो होगा आपका Eliminate, टू थ्रो अवे और गिव अवे। ठीक है,
देखिए, एक ये क्वेश्चन है बैंक पीओ मेंस लेवल का है, डबल फ्लर का क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चंस को मैं शुरू से बताता आया हूँ आपको कि पूरा सेंटेंस पढ़ने की अपेक्षा यदि लॉजिक और ट्रिक अप्लाई करें तो इस तरह के क्वेश्चंस को ना केवल एक्यूरेटली आप सॉल्व कर सकते हैं बल्कि 4 या 5 सेकेंड में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, और पूरा क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो चांसेस आर कि आपको वो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर ट्रिकी, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर टेक्निकल इन नेचर, क्योंकि वो किसी व्यक्ति का पर्सनल स्टेटमेंट हो सकता है या टेक्निकल हो सकता है। जो 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 हाईली एक्सपर्ट लोग होते हैं, हाईली एक्सपर्ट लोग इन सेंटेंसेस को लिखते हैं, जैसे शशि थरूर का कोई सेंटेंस है, कोई सुप्रीम कोर्ट का जज है उसका कोई सेंटेंस है, तो ये सेंटेंस नॉर्मली जो होते हैं इसमें टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ होती है और काफ़ी मुश्किल होता है इस तरह के सेंटेंसेस को समझना, लेकिन समझा जा सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि समझ नहीं सकते, समझा जा सकता है, बट इट्स वेरी टफ। अब देखिए, यहाँ पे डिस्क्लोजर एक वर्ड आया है और एक वर्ड आया है यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, इस तरह के कुछ टफ वर्ड्स होते हैं। तो इस सेंटेंस को हम पढ़ते हैं, द केसेस दैट विल मैटर मोस्ट शुड बी कोर्ट, शुड द कोर्ट डिसाइड इन फेवर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स विल बी वेयर द गवर्नमेंट। अब देखिए, यहां पर एक कॉमन सेंस और ट्रिक मैं बता रहा हूं, वेयर द गवर्नमेंट अ फॉर्म ऑफ डिस्क्लोजर। तो यहां पर गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट यहां पर एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो यहां पर आपको वर्ब चाहिए क्योंकि सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है, ठीक है, और ये है आपका ए फॉर्म ऑफ डिस्क्लोजर जो है ये है ऑब्जेक्ट, तो यहां पर आपको वर्ब चाहिए, तो इन ऑप्शंस में से जो वर्ब होगी वो वहां पर आ जाएगी। अब देखिए, वर्ब भी कैसी चाहिए, यहां पर फर्स्ट फॉर्म वाली वर्ब चाहिए, क्यों, क्योंकि इसको हम प्रेजेंट टेंस में बात कर रहे हैं। द केसेस दैट विल मैटर मोस्ट शुड द कोर्ट डिसाइड इन फेवर ऑफ द फंडामेंटल राइट विल बी वेयर द गवर्नमेंट, तो यहां पर प्रेजेंट टेंस की वर्ब चाहिए आपको, और प्रेजेंट टेंस की वर्ब कौन सी है ये देख लेते हैं, मिस इन्फॉर्म्ड ये वर्ब नहीं है, अनकॉन्शस ये तो एडजेक्टिव है, वर्ब है ही नहीं, ट्रेजर ये नाउन है, इम्पोजेस वर्ब है और इसमें एस भी लगा हुआ है, यानी यहां पर आपका आंसर होगा 4। इस तरीके से इन सेंटेंसेस के आंसर निकालने होते हैं, और जो सिलेक्ट होते हैं IBPS PO में, SVIPO में जो रैंकर्स होते हैं उनसे आप पूछ सकते हैं, उनसे आप क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं, वो इसी तरीके से क्वेश्चन को करते हैं, उनका जो तरीका होता है क्वेश्चन को करने का वो इसी तरीके से होता है। जैसे यहां पर मैंने आपको ट्रिक बताई कि गवर्नमेंट है, यहां पर सब्जेक्ट अ फॉर्म ऑफ डिस्क्लोजर है, ऑब्जेक्ट किसी चीज का नाम है, तो यहां पर वर्ब चाहिए और प्रेजेंट टेंस में हम बात कर रहे हैं तो इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस की वर्ब चाहिए। अब इसमें देखिए, कोई कोई भी एक वर्ब नहीं है, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये ईडी फॉर्म वाला वर्ब है, ये रियर मोस्ट ये एडजेक्टिव है, ठीक है, और ये रियल क्वेश्चन है, ये IBPS PO का रियल क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं कितनी कितने सरल तरीके से इस तरह के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे के मीनिंग हम देखते हैं, नॉन पेरियल मतलब जो बेस्ट व्यक्ति है किसी भी फील्ड का उसको हम बोलते हैं नॉन पेरियल। एक वर्ड और होता है पेरिल, PERIL, जिसका मतलब होता है खतरे, तो इमीडिएट जो डेंजर्स होते हैं, इमीडिएट जो रिस्क और डेंजर्स होते हैं उसको हम बोलते हैं पेरिल्स, लेकिन ये है नॉन पेरियल्स। जैसे जैसे सचिन तेंदुलकर हुआ अपना क्रिकेट में या चेस में, आनंद हुआ, तो जो बेस्ट पर्सन होता है, मैचलेस पर्सन होता है उसको हम बोलते हैं नॉन पेरियल, ठीक है। होल्ड मतलब इकट्ठा करना, डिस्चार्ज मतलब छोड़ना, इनहिबिट मतलब रोकना किसी चीज को, पैरागॉन मतलब मॉडल ऑफ एक्सीलेंस जो होते हैं उसको हम बोलते हैं रियर मोस्ट, सबसे सबसे पीछे वाला जो जगह है रियर मोस्ट, इम्पोजेस मतलब लगाना, ट्रेजर मतलब खजाना, अनकॉन्शस मतलब जो कॉन्शस नहीं है, मिस इन्फॉर्म्ड जिसको गलत सूचना दी गई है। तो इस तरीके से ये सारे वर्ड्स हैं और इनको ट्रिक के साथ ही आप कर सकते हैं, ये इसका आंसर होगा। आगे वाला हम क्वेश्चन देखते हैं, देखिए इसको भी मैं ट्रिक से करके बताऊंगा आपको। द इंटेंडेड पर्पस टू कंपटीशन अमंग IPA टू अट्रैक्ट एंड रिटेन टैलेंट एंड मेक देम अकाउंटेबल टू द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्ट बोर्ड ऑफ इंडिया वुड ऑल्सो बी बेटर बाय दिस स्ट्रक्चर। तो यहां पर देखिए क्या होगा, द इंटेंडेड पर्पस टू, यहां पर एक वर्ब चाहिए आपको और वर्ब ऐसी चाहिए जिसका मतलब हो कि इनके अंदर पैदा करना, द इंटेंडेड पर्पस टू कंपटीशन मतलब कंपटीशन की भावना पैदा करना, मतलब यहां पर एक ऐसा वर्ड चाहिए जो जो किसी जो इंस्टिल, एक वर्ड है इंस्टिल का इक्विवेलेंट हो, द इंटेंडेड पर्पस टू इंस्टिल कंपटीशन अमंग IPA, मतलब एक ऐसी चीज यहां पर हम बात की जा रही है जो कंपटीशन से भर दे IPA के लोगों को या IPA को, ठीक है। तो यहां पर इसका जो इक्विवेलेंट वर्ड है वो है आपका इन्फ्यूज का मतलब होता है किसी व्यक्ति के अंदर उस भावना को डाल देना, तो इन्फ्यूज यहां पर सही हो जाएगा और सर्वड भी यहां पर आपका सही आ जाएगा क्योंकि इसका मतलब होगा
वुड ऑल्सो बी सर्व बाय दिस स्ट्रक्चर, क्योंकि सर्व के बाद वैसे भी हम बाय लगाते हैं, तो उस हिसाब से भी सर्व यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा आपका थर्ड। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना होता है। इनक्लाइंड का मतलब किसी चीज़ की तरफ झुका होना। देखिए डिफ्यूज, दो वर्ड होते हैं डिफ्यूज के, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एक तो ये वाला डिफ्यूज है, DEFUSE, जिसका मतलब होता है किसी चीज को, किसी डिवाइस को डीएक्टिवेट करना, जैसे एटम, जैसे बॉम्ब्स को हम डीएक्टिवेट करते हैं, ठीक है। डिफ्यूज मतलब उसका जो फ्यूज होता है उसको निकाल देना वहां से, ताकि वो डीएक्टिवेट हो जाए, डिफ्यूज, ठीक है। ये डबल एफ वाला जो डिफ्यूज है इसका मतलब होता है स्प्रेड, फैलाना किसी चीज को, और इन्फ्यूज का मतलब होता है फिल कर देना, उसको परवेट कर देना। तो यहां पर सेंस से यदि देखें तो इन्फ्यूज वर्ड यहां पर सही है, और चूंकि फर्स्ट सही है इसलिए सेकंड भी अपने आप सही हो जाएगा। दिस इज द बेस्ट टेक्निक टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस, और कम से कम समय में पूरी एक्यूरेसी के साथ इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो क्लास में मैंने ये 11 क्वेश्चन आपको बताए हैं, दो क्वेश्चन आखिरी के वो बैंक पीओ मेंस एग्जाम के लिए हैं, बाकी के क्वेश्चंस मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, और होपफुली आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। और मेरी जो 4 सेकंड वाली जो ट्रिक है जिसकी मदद से एक क्वेश्चन को आप 4 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, आई होप कि आपको पसंद आई होगी। और इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को करेंगे तो निश्चित रूप से एक्यूरेसी के साथ इन क्वेश्चंस को कम से कम टाइम में आप कर पाएंगे। और IBPS क्लर्क एग्ज़ाम के लिए और जम्मू कश्मीर बैंक एग्जाम्स के लिए क्लर्क लेवल का एक टारगेट बैच मैंने शुरू किया है 15 अक्टूबर से। इसको यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहां से क्लिक करके इस बैच को आप तुरंत ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी सफलता आप सुनिश्चित कर सकते हैं इस एग्जाम में, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी जो है काफ़ी ज़्यादा हैं, तो चांसेस जो हैं आपके सिलेक्शन के वो काफ़ी हाई हैं। तो इसलिए कोई भी चांस ना लें और एक टारगेट ओरिएंटेड तरीके से तैयारी करें। और इस बैच में मैं आपको पूरा इंग्लिश और पूरा करंट अफेयर्स सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाऊंगा, और जिससे आपको सफलता मिलेगी। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।